यहाँ पर हम लोग स्टीफन का हत्या के बारे में हम लोग देखते हैं, लेकिन इस हत्या होने से पहले स्टीफन का संदेश को हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो स्टीफन का हत्या होता है, अगर आपको याद है बाइबल में नया नियम में तीन लोगों का हत्या के बारे में डिटेल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का तो हम सबको जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के और दो लोगों का हत्या के बारे में लिखा गया। कोई बता सकता है किसका? स्टीफन, स्टीफन का अभी हम लोग देखने वाले हैं, और बाप्तिस्मा देने वाला योहना। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से तीन हत्या का बहुत डिटेल्स में नया नियम में लिखा गया। और जब हम बाप्तिस्मा देने वाला योहना को देखते हैं, वो पुराना नियम का आखिरी नबी था या भविष्यवक्ता था। मतलब परमेश्वर पिता ने उसको भेजा था, पिता ने उसको भेजा था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसराइली लोगों ने और हेरोद राजा ने उसको मार दिया, उसका सिर को काट दिया। तो एक प्रकार से पिता परमेश्वर का इनकार ये इसराइली लोग करते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह का इनकार ये इसराइली लोग करते हैं। और फिर यहाँ स्टीफन के बारे में, स्टीफन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा से भरपूर एक व्यक्ति, तो किसका इनकार हो रहा है यहाँ पर? पवित्र आत्मा का इनकार हो रहा है। और इस प्रकार से इसराइली लोग परमेश्वर का योजना को इनकार कर रहा है, परमेश्वर का योजना को बिल्कुल नहीं चाहते, अपने ही इच्छा से अपना तरीका से ये इसराइली लोग चलना चाहते हैं। और ये बातें हम लोग ये तीन कत्ल से, तीन लोगों का हत्या से हम लोग सीखते हैं। और याद करो कि सदूकी लोगों के बारे में हम लोग देखा, सदूकी लोग स्वर्ग दूतों के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो 6 अध्याय और 15 पद में हम लोग पढ़ते कि तब उन सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। मतलब ये स्वर्गदूत का इनकार करते हैं, स्वर्गदूत है ही नहीं करके बोलते हैं, लेकिन जब स्टीफन का चेहरा देखता है कहता है इस स्वर्गदूत जैसा है। तो बहुत अजीब से ये घटना हो रहा है, एक तो स्वर्गदूतों का इनकार कर रहा है, लेकिन स्टीफन को जब देखता है तो स्वर्गदूत जैसा उनको दिख रहा है। लेकिन स्टीफन का आरोप क्या है? स्टीफन का आरोप क्या है? व्हाट वर द एक्यूजेशंस ऑफ स्टीफन? तो सबसे पहला पद में 7 अध्याय और वहां पर पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं कि तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यो ही है? कौन से बातें, व्हाट एक्यूजेशंस, कौन से बातें के बारे में ये महायाजक उसको सवाल कर रहा है? तो हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा, 6 अध्याय में जो आरोप उसके ऊपर लगा था, 6 अध्याय और 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना। वो 11 पद में मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध निंदा कर रहा है। निंदा का मतलब एक पवित्र व्यक्ति का गलत तरीके से बात करना या परमेश्वर को गाली देना, इस प्रकार का निंदा, इस प्रकार का आरोप स्टेफन के ऊपर लगा रहा है। और वो 13 पद जरा पढ़िए, चैप्टर 6 वर्स 13, 6 अध्याय और 13 पद को। और झूठे गवाह खड़े हुए जिन्होंने कहा हे मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध में बोलना नहीं छोड़ता है। हाँ, तो व्यवस्था के विरुद्ध और मंदिर के विरुद्ध ये आरोप लगा रहा है स्टीफन। व्यवस्था के विरुद्ध मतलब पुराना नियम के विरुद्ध में बोल रहा है, और मंदिर के बारे में वो कुछ खराब बातें बोल रहा है। तो ये उसका आरोप है। और परमेश्वर का दिया हुआ वचन, जो मूसा के द्वारा, मूसा ने दिया हुआ वचन, पुराना नियम को इनकार कर रहा है करके ये आरोप इसके ऊपर लगा रहा है। तो क्या ये बात सच है या नहीं, हम लोग देखेंगे। क्या स्टीफन पुराना नियम का इनकार कर रहा है? क्या स्टीफन वो मंदिर का विरोध में बोल रहा है क्या नहीं?
तो ये हम लोग देखेंगे, लेकिन असली में अगर हम देखेगा मंदिर का जरूरत नहीं है, और यही आरोप उसके ऊपर लगा है। स्टीफन कह रहा है कि इस मंदिर का कोई जरूरत नहीं है, तो ये आरोप स्टीफन के ऊपर लगा है। और वो फिल्म आप लोगों ने देखा, याद करो वो मंदिर कितना बड़ा था, कितना सुंदर था, और ये यहूदी लोगों का घमंड का बात है कि इतना सुंदर मंदिर यरूशलेम में है, और दूर दूर से लोग आते थे उस मंदिर को देखने के लिए, और वो मंदिर एक प्रकार का इसराइल का एक बड़ा मूर्ति बन गया। परमेश्वर का पूजा नहीं हो रहा है, वो मंदिर का पूजा, इतना सुंदर है, इतना विशाल है, वो पत्थर देखने से, वो 12 शिष्य भी प्रभु यीशु मसीह को थे, देखो ये मंदिर कितना सुंदर है, ये पत्थर कितने सुंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने वो भी बोला था कि एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर रहने वाला नहीं है, भविष्य में ये मंदिर टूटने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया। तो वही इसी प्रकार का आरोप अभी स्टीफन के ऊपर कह रहा है कि स्टीफन ये मंदिर को तोड़ने वाला है, ऐसा आरोप उसके ऊपर लगा रहा है। तो स्टीफन अभी ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि इस मंदिर का सच में जरूरत नहीं है। कैसे अपना जो आरोप उसके ऊपर लगाया, कैसे अभी उसका वो आरोप को सही प्रकार से दिखाने का कोशिश करेंगे। लेकिन यूहन्ना 4 अध्याय 21 पद पे जरा पढ़ो, जॉन चैप्टर 4 वर्स 21। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास करके वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोला था कि परमेश्वर का आराधना ना इस मंदिर में ना उस मंदिर, समरिया लोगों, समैरिटन लोगों का और एक पहाड़ था जिसके ऊपर वो लोग आराधना करते थे। तो वही सवाल लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो सम्रोनी महिला आती है और पूछता है कौन सा पहाड़ पर हम लोग परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, यरूशलेम में वो मंदिर में या समोरिया का वो उस पहाड़ पर। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ना इस पहाड़ पर जहां पर मंदिर है, ना उस पहाड़ पर, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर का आराधना और भक्ति किया जाता है। वो यूहन्ना 4 अध्याय 23 पद में हम लोग देख सकते हैं। अभी स्टीफन अभी इस आरोप जो उसके ऊपर लगाया, कैसे अभी जवाब देगा, कैसे जवाब देगा, और ये बातें अभी हम लोग देखने वाले। पूरा अध्याय अभी हम लोग पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि देर आर 60 वर्सेस, 60 पद है, 60 पदों जो है आप अकेले में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य बातें वहां से हम लोग देखेंगे, जैसे ही पद आएंगे उन पदों को हम लोग निकालेंगे। और वैसे ये सबसे बड़ा संदेश जो नया नियम में रिकॉर्ड किया गया, पत्रस का संदेश 2 अध्याय में, 4 अध्याय में पत्रस का संदेश को रिकॉर्ड किया गया, पौलुस का संदेश 17वां अध्याय में, 26 अध्याय में जहां कहीं पौलुस प्रचार करता है उसका कुछ अंश वहां पर लिखा गया है, लेकिन ये स्टीफन का जो संदेश है ये सबसे लंबा है और सबसे बड़ा है। और ये पत्रस और पौलुस जैसा ही ये बुद्धिमान व्यक्ति है और उसका संदेश बहुत ही जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इस संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। नया नियम में प्रेरितों का काम का पुस्तक में उसका पूरा संदेश वहां पर लिखा गया है। और एक अनोखा बात जो आज भी मुझे भी मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि ये बाइबल में आया कैसा। स्टीफन जब संदेश दे रहा था उस जमाने में, अभी मैं ये संदेश को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे पास मोबाइल फोन लैपटॉप है, वो रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, उस जमाने में 2000 साल पहले कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कैसे ये पूरा संदेश जो उसने बोला यहाँ आज हम 2000 साल बाद भी उसको पढ़ने को मिल रहा है, और कौन सुन रहा था, कोई जवाब दे सकता है, हु वॉज लिसनिंग अटेंटिवली टू दिस समन? हाँ, लुका तो नहीं था, पौलुस। हाँ, पौलुस सुन रहा था, ही वाज लिसनिंग, पौल सुन रहा था इस संदेश को, क्योंकि इस संदेश के वजह से बहुत सा बाद या बहुत दिन बाद भी उसको याद आ रहा था स्टीफन ने क्या संदेश दिया था, ठीक है। और पतरस का संदेश को रिकॉर्ड करने वाला था वो योहन्ना,
योहन्ना पत्रस के साथ ही था, वो हमेशा रिकॉर्ड छोटा किताब होगा वो पॉइंट नोट डाउन करता था, पत्रस क्या प्रचार कर रहा है, कौन सा पद बोल रहा है, वो सब नोट डाउन कर रहा था। बाद में जब पौल और लूका साथ में यात्रा कर रहे थे, तब लूका ने पौलुस का प्रचार को भी नोट डाउन किया होगा। तो इस प्रकार से ये सारे चीजें रिकॉर्ड हमारे बाइबल में किया गया है, हम लोगों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए और स्टडी करने के लिए, आज 2000 साल बाद हम लोग जान सकते हैं। लेकिन हम लोग 10 अलग पाप इसराइली लोगों का बारे में हम लोग देखते हैं। जब स्टीफन प्रचार कर रहा है, वो याद दिला रहा है कि इसराइली लोगों ने कहाँ कहाँ पर पाप किया। 10 अलग अलग पापों के बारे में स्टीफन याद दिलाता है। वो जो महासभा बुलाया गया, सब सदूकी लोग एक तरफ बैठे हैं, फरसी लोग एक तरफ बैठे हैं, महायाजक बीच में बैठा है, और स्टीफन सबके बीच में स्टीफन को खड़ा कर दिया और वहां पर उसको जवाब देना पड़ रहा है। तो वो बता रहा है, याद करो हमारे बाप दादाओं ने किस प्रकार से परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। तो जब से 9 पद में जब हम देखते हैं, 9 पद में हम लोग यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे 11 भाई उसके विरोध में ईर्ष्या कर रहे, जल रहे थे, क्योंकि उसका पिता याकोब यूसुफ को अच्छा जैकेट देता है, उसका अच्छा प्यार करता है, प्रेम करता है, तो बाकी के 11 भाई उसके ऊपर ईर्ष्या करता है, या जेलस ऑफ जेकब। तो वहां 11 भाई का पाप, जो ईर्ष्या जेलसी जो है, वो कह रहा है ये इजरायली लोगों का इस प्रकार का गुण है। जब किसी का भला होता है, अच्छा होता है, तो इनके दिल में जलने लगता है, ईर्ष्या होता है। फिर वर्स 35, प्लीज रीड वर्स 35। इस ऊर्जा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, उसे जिसने हम पर राखी और न्याय लगाया है उसी को परमेश्वर ने अपने को चुराने वाला ठहराकर उस बलदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। हाँ, तो मूसा का भी इनकार किया था, याद करो मूसा जब 40 साल का था, तो वो मूसा को पता है वो कि वो एक इब्री जाति का व्यक्ति है, इसराइली आदमी है करके वो उसको मालूम है। हालांकि वो राजमहल में बड़ा हुआ, एक दिन वो देखता है कि इसराइली भाई को वो मिसर का आदमी उसको मार रहा है, तो मूसा को गुस्सा आता है और वो मिसर का आदमी को मार देता है और वो मर जाता है। दूसरा दिन वो दोनों इसराइली भाई भाई झगड़ रहे, लड़ रहे, तो मूसा कहता है अरे आप लोग भाई भाई हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं? तो दूसरा कहता है तुम हमारे ऊपर न्याय करने वाला कौन है, कौन तुमको न्यायी बनाया है? तो इसके वजह से मूसा को डर आता है और वो ये भी कहता है कि क्या तू मुझको भी मारेगा जैसे तुमने मिस्र का आदमी को मारा, मुझको भी मारेगा? तो उस डर के मारे मूसा मिस्र देश से भाग जाता है। लेकिन वहां से उस घटना के वजह से इसराइली लोगों ने मूसा का इनकार किया, परमेश्वर ने उसको भेजा था उनको आजाद करने के लिए, लेकिन इसराइली लोगों ने मूसा का इनकार किया। बहुत जगहों पर ये इसराइली लोग मरुभूमि में जब भी जा रहे थे, हर बार जब वो कुड़कुड़ा रहे थे तो मूसा के विरुद्ध भी वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, तो मूसा का इनकार ये इसराइली लोग कर रहे। तो देखो कैसे वो इसराइली लोगों का पाप को दिखा रहा है। फिर वर्स 39, प्रभु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चला वर्ण उसे हटाकर अपने मन मित्र की ओर से तो ये इसराइली लोगों का स्वभाव है कि जब मरुभूमि में जा रहे, परमेश्वर उनको कनान देश में जा रहा है, अच्छा जगह में लेके जा रहा है, वो याद करा रहे हम लोग मिस्र देश में वापस जाएंगे, तो इस प्रकार से आज्ञा नहीं मान रहे थे। और उसी पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का दास को अनुचित करते हैं, परमेश्वर जो कुछ दास भेजता है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता उनके पास आकर परमेश्वर का वचन बताता है, उसका उनका बात नहीं सुनता है और उनको अनुचित करता है, डिसरिस्पेक्टफुल, उनका कोई सम्मान नहीं देता है, उनको तुच्छ मानते हैं परमेश्वर का दास को। और यहाँ पर रीड वर्स 40 प्लीज, 40 पद को जरा पढ़िए।
तुम मेरे के तंबू और निर्वाण देवता के सारे मिटे थे, अर्थात तुम मुर्गियों को जिन्हें तुमने जानवर करने के लिए बनाया था, अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। हाँ, तो यहाँ मोलेक नाम का एक मूर्ति का पूजा भी कर रहे हैं। यहाँ इस फोटो में अगर आप देख रहे हैं तो मूर्ति पूजा ये लोग करने लगे, और जब वो मरुभूमि में थे तब भी वहां पर एक मूर्ति उन्होंने बनाया था। लेकिन इस मूर्ति को जब हम देखते हैं, वहां एक बच्चे को क्या कर रहा है, उस मूर्ति को अर्पण कर रहा है, और वो ब्रास पीतल पीतल का वो मूर्ति था। तो यहाँ पर नर बलि हो रहा है, तो बच्चा को, जैसा नया जन्म किया हुआ बच्चा, 1 साल के नीचे का बच्चा को क्या करेगा, वो पीतल का मूर्ति को पूरा गर्म करेगा, पूरा गर्म करेगा। वो गर्म होने के बाद उस बच्चे को उस मूर्ति में डाल देगा और वो बच्चा मर जाएगा। इस प्रकार का नर बलि ये इसराइली लोग करते थे। परमेश्वर ने इनको साफ साफ इनकार किया था कि इस प्रकार का नर बलि मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना बेटा इसहाक को बलि करने के लिए बोला था, लेकिन परमेश्वर रुक गया, उसका बलि नहीं हुआ। फिर भी ये इसराइली लोग ऐसे ऐसे हरकतें करने लगे। परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, परमेश्वर को गुस्सा आ रहा था, परमेश्वर इनको मना किया था, इस प्रकार की चीजें आप लोग मत करो। इस प्रकार का मूर्ति पूजा ये लोग करने लगे। फिर वर्स 43, तुम मोले के तंबू और दीपक देवता के सारे के लिए पीटे थे, अर्थात तुम मूर्तियों को जिन्हें तुमने गंडवर करने के लिए बनाया था, अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बताऊंगा। तो वहां पर तारों का पूजा भी वो लोग करने लगे। मोलेक का एक तारा भी है, उस तारे का पूजा भी वो लोग कर रहे हैं। और आज अगर आप इसराइल का झंडा को अगर आप देखेंगे, फ्लैग जो है उस पे भी अभी भी क्या लगा हुआ है, एक तारा। पुराने नियम में कहीं पर भी हम लोग इस तारे के बारे में पढ़ते हैं क्या? नहीं। तो ये तारा कहाँ से आया? ये बोलता है स्टार ऑफ डेविड, तो दाऊद का कौन सा तारा था? कहीं पर भी हम लोग पढ़ते नहीं पुराने नियम में। लेकिन आज इसराइली लोग, इसराइल का झंडा जब हम देखते हैं, यही तारा है। तो इस प्रकार का तारों का पूजा ये इसराइली लोग करने लगे। तो परमेश्वर को इस बात को भी पसंद नहीं, और वो बता रहा है, स्टीफन बता रहा है कि किस प्रकार से हमारे बाप दादाओं ने पाप किया। तो जब आगे बढ़ता है तो रीड वर्स 51 51 टू 53, जस्ट रीड। अधिक और मन और प्राण की क्षमता रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसा ही तुम भी करते हो। तुम इस वर्षों के द्वारा हराई हुई व्यवस्था को पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। 53 रेड, ठीक है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं ये लोग, इसराइली लोग अभी, हालांकि स्टीफन अभी महासभा के लोगों को वो बता रहा था, डायरेक्टली उनको बता रहे, लेकिन यही पाप इसराइली लोगों का था, जो पुराने दिनों से वो लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे थे। और जो भी परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर भेज रहा था, उनको मार दिया जाता था। और मसीहा को, प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र जब आया, उसको भी उन्होंने क्रूस पर मार दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन का पालन नहीं किया। ये इसराइली लोगों का पाप के बारे में वो बता रहे कि 10 अलग अलग पाप ये इसराइली लोगों ने किया। और ये पुराने दिनों से, पुराने नियम से ही हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार के ये लोग कर रहे। तो 10 पाप के बारे में वो बताया, और 10 नाम भी है। अगर आप काउंट करेंगे इस पूरा अध्याय में, 10 अलग अलग नाम, पुराने नियम के नामों को वो बता रहा था। सबसे पहला 2 पद में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के बारे में लिखा है, और अब्राहम के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको ऊर देश से बाहर बुलाया और उसको आशीर्वाद दिया। फिर अब्राहम का बेटा इसाक, इसाक के बारे में 8 पद में लिखा है। फिर
फिर याकोब के बारे में लिखा है, वो भी 8 पद में लिखा है। फिर याकोब के बाद यूसुफ के बारे में लिखा है, वो 9 पद में हम लोग देखते हैं यूसुफ का नाम आया है वहां पर। फिर 20 पद में हम लोग देखते हैं कि मूसा का नाम आया है। फिर 40 पद में आप देखो हारोन का नाम आया है। फिर 45 में वहां हम लोग जोशुआ का नाम, जोहोशु का नाम हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसी 45 में हम लोग दाऊद का नाम, दाऊद राजा के बारे में पढ़ते हैं। फिर 47 में हम लोग सुलेमान राजा के बारे में पढ़ते हैं। तो 10वां नाम किसका आ रहा है? हु इज द 10th पर्सन? वो कह रहा है कि वो धार्मिक व्यक्ति, द जस्ट वन। ओके, वर्स 52। और प्रभु मसीह का नाम भी वो यीशु का नाम बताता नहीं, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति है करके वो बोला है, द जस्ट वन। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह द 10वां व्यक्ति है उन महान लोगों के बारे में जब बात कर रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है, व्हाट इज द पॉइंट, क्यों इन लोगों का नाम बता रहा था? तो सबसे पहले परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर इन व्यक्तियों का उपयोग किया अपना योजना को आगे बढ़ाने के लिए। वो 10 लोगों का नाम जो हम लोग देखे, परमेश्वर इन व्यक्तियों का इस्तेमाल किया। और हर व्यक्ति जो पुराने नियम, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो हारोन हो, चाहे वो यूसुफ हो या अब्राहम हो, हर एक पुराना नियम का वो व्यक्ति यीशु मसीह का एक गुण के बारे में हम लोगों को दिखाता है। दे ऑल आर टाइप्स ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। और परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए वो लोग उनको परमेश्वर इस्तेमाल किया। एंड वर्स 35, उसको हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा पढ़ो वर्स 35। इस मूसा को उन्होंने यह बताकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? तो उसको क्या कैसे ठहरा गया, हकीम और न्यायी। और आगे पढ़ो। किसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला बताकर उस स्वर्गदूत के द्वारा उसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। वो ये लोग इसराइली लोगों का छुड़ाने वाला भी बना, मूसा इसराइली लोगों का छुड़ाने वाला हुआ, यूसुफ इसराइली लोगों का छुड़ाने वाला कैसे बना? याद करो, जब कनान देश में और मिस्र देश में अकाल पड़ा, अकाल समझते हैं ना, कोई बारिश नहीं, 7 साल कोई बारिश वृष्टि नहीं होगा, कोई अन्न नहीं होगा, तब तब तक यूसुफ फेरो राजा का मुख्यमंत्री बन गया था। और यूसुफ वो उसका मिस्र देश का जो भी अन्न उनको मिल रहा था उसका गोडाउन संभालने का काम यूसुफ कर रहा था। और जब कनान देश में भी अकाल आया तो 11 भाई मिस्र देश में आया खाने के लिए, और यूसुफ ने उन 11 भाइयों को बचाया। हाँ, उनको दुख लग रहा था कि यही लोग मुझे इनकार किया, लेकिन बाद में उनको अन्न दिया और उनको बचा, उनका जान बचा, उनके बच्चों का जान यूसुफ ने बचाया। और यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम उत्पत्ति का किताब में, वो सिर्फ इसराइली लोगों को नहीं बचाया, लेकिन पूरा संसार को उसने बचाया, क्योंकि पूरे दुनिया में ये अकाल आया था और यूसुफ के वजह से दुनिया, उस जमाने का दुनिया बच गया, ठीक है। और फेरो राजा ने उसको ये नाम भी दिया था, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वो उनका भाषा मिस्र भाषा में उसको नाम दिया, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का उद्धार करता है यूसुफ। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो स्टीफन बता रहा है, नाम दे रहा है, एक प्रकार का उद्धार करता था, एक प्रकार से यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बता रहा है, ठीक है। और वर्स 38 और प्लीज रीड। ये वही है जिसे जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर इससे वादे की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिलने की रंग तक पहुंचा है। हाँ,
तो उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। तो जीवित वचन को पहुंचाने का काम भी इन लोगों का था। जितने भी 10 लोग थे सब लोग जीवित वचन लेकर आ रहे हैं। और यीशु मसीह भी क्या है? वो वचन ही है, वो खुद ही वचन है। तो यीशु मसीह वो जीवित वचन हमारे पास लेकर आया। लेकिन अभी जो पंच वो दे रहा है स्टीफन, जो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है स्टीफन, अभी पंच वापस कर रहा है, तुमने उस जीवित वचन को मार दिया, तुम उस जीवित वचन का खूनी बन गया। तो स्टीफन अभी आरोप जो उसके ऊपर लगा रहा है, आरोप अभी उस महासभा के सदूकी फरसी वो महायाजक है, आरोप अभी उनके सिर पर डाला, तुम लोग खून किया, तुम लोग जैसे पुराने नियम के इसराइली लोगों ने उन अच्छे लोगों को मार दिया, तुम लोग भी वही ऐसा ही काम किया। तो जैसे आरोप उसके ऊपर लगाया था, मंदिर का कोई जरूरत नहीं है, मंदिर तो टूटने वाला है। और ये बात को ये महासभा के लोगों को भी समझ में आना चाहिए। और दुख की बात है, परमेश्वर का योजना को ये महायाजक सदुकी लोग फरसी लोग, उनको परमेश्वर का योजना को समझ में नहीं आ रहा है। और स्टीफन उनको समझाने का कोशिश करे कि परमेश्वर का योजना क्या है। और वो याद करो, अब्राहम को जब हम लोग वो दो पद में देखते हैं तो ऐसा लिखा है, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन किया। वो परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर ने उसको कहाँ दर्शन दिया? यरूशलेम में दर्शन दिया? नहीं, कहाँ पर, कौन से देश में? मेसोपोटामिया करके वो देश है, या उर देश में, वो मेसोपोटामिया जो है, हाँ मेसोपोटामिया, हिंदी में भी मेसोपोटामिया देश में। तो परमेश्वर मतलब हर दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, खाली कना जेरूसलम में नहीं, मंदिर सिर्फ यहाँ है, इसके मतलब परमेश्वर यहाँ बैठा है, वो वहां पर नहीं है क्या? तो वो उसको उनको समझाने का कोशिश कर रहा है, परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर अब्राहम को मेसोपोटामिया देश में उसको दर्शन किया। फिर यूसुफ कहाँ था? जब यूसुफ ने अपने भाइयों को बचाया, और यूसुफ के बारे में वो 9 और 10 को जरा पढ़ो, रीड वर्स 9 एंड 10। कुलपतियों ने यूसुफ से डांट रखे जिससे मिस्र जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु तो परमेश्वर उसके साथ था और उसे इस मिस्र देशों से छुड़ा कर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर भागी नियुक्त किया। हाँ, तो मिस्र देश में था ये यूसुफ, मिस्र देश में था। और वहां बहुत सुंदर ऐसा लिखा कि और उसे उसके सब क्लेश से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। तो परमेश्वर ने यूसुफ को कहाँ बचाया? मिस्र देश में। तो परमेश्वर का मिस्र देश में नहीं है, मिस्र देश में परमेश्वर ने यूसुफ का जान बचाया और हर क्लेश से उसको मुक्त किया। और यूसुफ ने अपने भाइयों को भी मिस्र देश में उनको बचाया। फिर मूसा, मूसा के बारे में जरा याद करो, मूसा कहाँ पर गया? 30 पद को जरा पढ़ो। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पर्वत के जंगल में उसे जलती हुई छाड़ी ज्वाला में दर्शन किया। कौन सा जंगल में? सिनाय पर्वत का जंगल में, हाँ उस पहाड़ सिनाई पर्वत का आसपास का जंगल में, वहां परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया। उसको क्या, उस यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर उसको दर्शन किया? नहीं। तो देखो वो समझाने का कोशिश कर रहा है, परमेश्वर हर जगह में उपस्थित है, आप कह रहे ये मंदिर में ही है। तो स्टीफन उनको समझाने का कोशिश कर रहा है, इस मंदिर का जरूरत नहीं है, परमेश्वर अगर चाहता है इस मंदिर को नष्ट करेगा, तुम इस मंदिर को अपना एक मूर्ति के जैसा क्यों पूजा कर रहा है? तो ये बात उनको समझाने का वो कोशिश कर रहा है। और वर्स 44, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादू के बीच में था, जैसा उसने ठहराया जिसने मूसा से कहा, जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार उसे बना। तो देखो बारह भूमि में 40 साल हमारे बाप दादा वो घूमते गए फिरते गए, वहां परमेश्वर उनको मन्ना दे रहा था, परमेश्वर उनको पानी दे रहा था,
हर जरूरी बात को परमेश्वर उस मरुभूमि में दिया, तो क्या वो लोग उस मंदिर इस पक्का घर में आकर प्रार्थना कर रहे थे क्या? नहीं, मरुभूमि में था और वहां तंबू ही था, कच्चा घर था। लेकिन आप लोग कह रहे हैं इस मंदिर का मैं अपमान कर रहा हूं। मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं इस मंदिर का निंदा नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। परमेश्वर का योजना क्या है आप लोग समझने का कोशिश करो, लेकिन ये महासभा के लोगों को सुनने का कोई इच्छा नहीं। और सुलेमान ने जो पक्का घर बनाया, दाविद राजा की इच्छा था कि मैं पक्का घर बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम नहीं बना सकते, तुम बहुत खून बह चुका है इसलिए तुम नहीं बना सकते, तुम्हारा बेटा सुलेमान वो पक्का घर बनाएगा। तो सुलेमान ने जब पक्का घर बनाया तो उसने भी क्या बोला, जरा खोलो First Kings chapter 8 verse 27, पहला राजा उसका 8 का 27 पद, और उस मंदिर के बारे में जो पक्का घर बनाया उसने, उस मंदिर के बारे में, पक्का घर के बारे में क्या कहता है, First Kings 8:27। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वर सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए तू भवन में कैसे समाएगा? तो परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं रह सकता, स्वर्ग भी उसको समा नहीं सकता, क्या ये मेरे हाथों का बना हुआ घर में रहेगा? तो इनको थोड़ा सा बुद्धि देने का कोशिश कर रहा है ये फरसी सदूकी याजकों को, स्टीफन कुछ समझाने का कोशिश कर रहा है। आप लोग सोच रहे कि परमेश्वर यही है, और मैंने जो बात बोला मैं सच बोल रहा, परमेश्वर क्या इस घर में रह सकता है? और परमेश्वर का जो महिमा एक बादल के रूप में हम लोग देखते थे पुराने नियम में, और वही बादल उस 40 साल इसराइली लोगों को मरुभूमि में रास्ता दिखाया, और जब उन्होंने, जब सुलेमान राजा ने भी वो पक्का घर बनाया, तब तो परमेश्वर का महिमा उस बादल के रूप में उस पक्का घर के ऊपर भी आकर रुक गया। लेकिन जब नेबुकदनेज़र राजा आया और उस मंदिर का नष्ट किया, उससे पहले ही परमेश्वर का महिमा उस मंदिर, वो बादल जो दिखता था वो बादल चला गया था, परमेश्वर का महिमा उस मंदिर से हट गया था। अभी 400 साल बीत गया, हेरोद राजा ने उस मंदिर को बहुत सुंदर बनाने का कोशिश किया, उसका वीडियो भी हमने देखा, कितना सुंदर था, कितना बड़ा था उस जमाने में, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा बिल्डिंग बहुत ही कम जगहों में था, खाली रोम में, और फिर यहाँ इसराइल में इनका बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया था। तो ये बहुत ही घमंड और गर्व की बात है कि इस प्रकार का बिल्डिंग हमारे बीच में, हमारे यहाँ पर है। लेकिन परमेश्वर का महिमा, हेरोद राजा ने लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च किया होगा, लेकिन परमेश्वर का महिमा उस मंदिर में नहीं था, लेकिन परमेश्वर का महिमा विश्वासियों के दिल में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, और वो स्टीफन वहां पर खड़ा है, उसके ऊपर वो महिमा है, इसलिए उसका चेहरा एक स्वर्गदूत के तरह दिख रहा था। लेकिन ये महासभा के लोगों को समझ में नहीं आ रहा थी कि परमेश्वर का महिमा कहाँ गया, चला गया, लेकिन परमेश्वर का महिमा अपने लोगों के ऊपर है। तो जब उनको ये पता चल रहा है कि सच में ये कह रहा है कि मंदिर का जरूरत नहीं है, तो इनका गुस्सा कैसा है, verse 54, प्लीज रीड 54। ये बातें सुनकर वे चल गए हाँ, और उस पर दांत पीसने लगे। दांत पीसने लगे, ठीक है, और आगे पढ़ो। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो फिर स्वर्ग में खुला हुआ और मनुष्य के पुत्रों ओके, पुत्र को रीड verse 57। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए हाँ, और एक साथ उस पर ठीक है, तो देखो उनका गुस्सा, जब उनको समझ में आया स्टीफन सच में कह रहा है कि मंदिर का जरूरत नहीं है, तो वो दांत पीसने लगे और जोर से चिल्लाने लगे, और उसके पास दौड़कर उसको पकड़ लिया, अभी उनको मारना है। देखो कैसे दौड़ा उसके बारे में, वो जो शब्द वहां पर, जो एक साथ वो लोग दौड़े, उन सुअरों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 5 वर्स 13, वो सुअर कैसे
दौड़े जब 2000 दुष्ट आत्माएं उन सुअरों के अंदर गया, वो सुअर नदी में जाकर मर गए, ऊपर मतलब उस पहाड़ से उस नदी में जाकर कूदे वो सुअर। उसी प्रकार वही शब्द यहाँ पर, ये सब लोग अभी ऐसा है कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया जैसा है, और स्टीफन को मारने के लिए ये लोग आ गए। लेकिन स्टीफन क्या देखता है, क्या देखता है? ऐसा गुस्सा से, क्रोध से भरे हुए लोग उसको मारने के लिए आए, लेकिन वो क्या देखता है? वो देखता है कि आकाश खुल गया, और जब आकाश खुल गया तो उसने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह उसको वेलकम कर रहा है, स्वर्ग में उसको वेलकम कर रहा है। वैसे तीन ही लोग नया नियम में प्रभु यीशु मसीह को देखा, कौन कौन है? स्टीफन यहां पर, उसके बाद पौल, और प्रकाशित वाक्य में हम लोग योहन्ना के बारे में पढ़ते हैं। ये तीन तीन ही शिष्य प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चला गया, उसके बाद ये तीन लोगों ने ही यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा, पौल, यहाँ स्टीफन और यूहन्ना। ठीक है, तो आकाश खुलते हुए देखा, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। फिर इसका नतीजा क्या हुआ? स्टीफन तो वहां मर जाता है, मरते समय वो क्या कहता है, वर्स 60, प्लीज रीड वर्स 60। फिर उन्हें एक परमोत्तर सबसे पुकारा, ये प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। ठीक है, तो उसने उन लोगों को माफ किया। अभी उस महासभा में एक व्यक्ति था जो ये सब देख रहा था। पहले हमने उसको बोला शाउल, जो बाद में पौल बना, शाउल ये सब कुछ देख रहा है। शाउल भी एक जवान व्यक्ति, स्टीफन का उम्र का बराबर का होगा, और शाउल कहाँ का व्यक्ति था, कौन सा नगर का आदमी था? तार्स, व्हाट द नेम ऑफ दैट प्लेस इज, टार्सस, टार्सस नाम का एक जगह, सॉल ऑफ टार्सस करके उसको बोला गया। तो टार्सस कहाँ पर आता है? सिलिसिया। और 6 अध्याय और 9 पद में हम लोग देखते हैं कि स्टीफन किन लोगों के साथ वाद विवाद कर रहा था, तब उस आराधनालय में जो लिबेरिटिनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया। तो ये किलिकिया जो है, सिलिसिया इंग्लिश में जो कहता है किलिकिया, तार्सिस भी उसी जगह का एक नगर है किलिकिया। तो मेरा कहने का मतलब है, पौल स्टीफन को भूल नहीं पाया, क्योंकि स्टीफन उसी मित्रों के साथ, शायद स्टीफन पौलुस के साथ भी वाद विवाद किया होगा, उनमें से पौल भी शायद था, इसलिए पौल को गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस व्यक्ति का चरित्र को देखने के बाद उनको माफ किया, इसलिए पौल का मन परिवर्तन बाद में होता है। कैसे ये आदमी अपने दुश्मनों को माफ कर सकता है? क्योंकि स्टीफन ने वहां माफ किया अपने दुश्मनों को, इसलिए बाद में पौल प्रभु में आ जाता है। और उसी समय, हालांकि तुरंत पौल का उद्धार नहीं होता, पौल का परिवर्तन तुरंत नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। 8वां अध्याय में जब हम बाद में देखेंगे तो वहां वो सताव मसीह लोगों के ऊपर और भी होता है। तो सीखने के लिए क्या है, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, व्हाट शुड वी टेक अवे फ्रॉम इट, और ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए क्या है? सबसे पहले बात यह है कि मेरा दिल, मेरा मन परमेश्वर का मंदिर है, मन मंदिर में बसने वाला है, यीशु तू है मेरा।
सारा आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, जो स्वर्ग में भी वो सह नहीं सकता है, वो आज मेरे जैसे पापी के मन में वो सह सकता है। कितना महान बात है। मेरे मन में, मेरे मंदिर में, मेरे इस शरीर में सृष्टिकर्ता आकर रहना चाहता है। उस मंदिर का जरूरत नहीं है। मंदिर टूट गया, कब का टूट गया मंदिर? नहीं, आज मंदिर कहां पर है? यहां पर है। ये घर भी, रानी डंगा असेंबली हॉल, शायद एक दिन टूट जाएगा, लेकिन मेरा दिल में परमेश्वर हमेशा रह सकता है। हम अपने शरीर को परमेश्वर के मंदिर के लिए बलिदान करना चाहिए। आई शुड सबमिट माई बॉडी, सैक्रिफाइस माई बॉडी टू बी द टेम्पल ऑफ गॉड। और जवानी में ही हम लोग इसको हम लोग कर सकते हैं, अपना सकते हैं कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और अगर मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्या मैं इसमें नशा पान करूंगा? क्या मैं ऐसे गलत चीजें, गलत हरकतें करूंगा इस मंदिर को नष्ट करने के लिए? क्या मैं गलत चीजों को देखूंगा जिसके वजह से ये मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा? नहीं, हमेशा याद करो ये बात। अगर आप हमेशा याद करेंगे, जवान लोग, आपको बहुत गलत चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि कल आपके मित्र आपको पार्टी में लेके जाएंगे। वहां दारू होगा, नशा पान होगा, बहुत सारे चीजें होंगे। क्या याद करना है? नहीं, ये मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं खा सकता हूं या पी सकता हूं जो इस मंदिर को भ्रष्ट कर सकते। रिमेंबर दैट यंग पीपल, प्लीज डेडिकेट योर बॉडीज एज अ टेम्पल ऑफ गॉड। और परमेश्वर का महिमा उस मंदिर पे रहेगा, परमेश्वर का महिमा। जैसा स्टीफन का चेहरा उस स्वर्गदूत जैसा चमक रहा था, आपका जीवन, आपका चेहरा भी उसी तरह चमकेगा। फेयर एंड लवली या कोई भी ब्यूटीफाई क्रीम लगाने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चमकने लगेगा। परमेश्वर का योजना को समझने का कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड शुरू से लेकर अंत तक, उत्पत्ति का किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। परमेश्वर क्या करना चाहता है दुनिया में, और उस योजना में मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर फिट होता। परमेश्वर का योजना चल रहा है, लेकिन उस योजना में मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं, या मैं परमेश्वर का योजना से, परमेश्वर का इच्छा से दूर? नहीं, परमेश्वर का योजना में, परमेश्वर का इच्छा में आप भी शामिल हो जाओ, परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है। और विरोध तो आने वाला है, लेकिन विरोध जब आएंगे तो मैं प्रेम से और दया से उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार होना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू फॉरगिव, बी लविंग एंड कंपैशनेट इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि विरोध आज नहीं तो कल उसका सामना हमको करना पड़ेगा। जैसे स्टीफन ने, हाँ उसने बोला, सच बोला, लेकिन उनको माफ भी किया। ही वॉज अ मैन विद अ पैशन फॉर गॉड बट विद कंपैशन फॉर मैन। परमेश्वर के लिए एक जलने के लिए वो एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन दया से भी भरपूर था। इस प्रकार का व्यक्ति हम लोग बनना चाहिए। और मेरा प्रार्थना है नौजवानों के लिए खास करके, कि आप लोग भी इस प्रकार से स्टीफन के तरह जीने का कोशिश करो। ठीक है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर रुकता हूँ।